नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम भाग्योदय में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे अमरनाथ की यात्रा के बारे में, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और क्या रहस्य है अमरनाथ की यात्रा का, इस विषय में आपको बताएंगे। यात्रा करने से कितना बड़ा लाभ है, शिव जी की कितनी कृपा होती है, इसकी बात करेंगे। दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, मूलांग के बारे में बात करेंगे, वास संबंधी महा उपाय बताएंगे, दिन को बेहतर करने के लिए आपको एक सलाह देंगे। लेकिन सबके पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 19 जुलाई 2019 दिन शुक्रवार, श्रावण माह, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 6:55 तत्पश्चात तृतीया तिथि लगेगी। धनिष्ठा नक्षत्र मध्य रात्रि के बाद 4:25 तत्पश्चात सतभिषा नक्षत्र लगेगा। आयुष्मान योग मध्य रात्रि के बाद कल सुबह 5:29 तत्पश्चात सौभाग्य योग लगेगा। चंद्रमा दोपहर के बाद में 2:58 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और पंचक भी प्रारंभ हो जाएगा। लखनऊ में राहु काल प्रातः 10:30 से 12:12 तक है। शुक्रवार का दिन है, पश्चिम दिशा शूल है, यात्रा नहीं करना है। और यदि यात्रा करना आवश्यक है, श्वेत मिष्ठान खा करके यात्रा करें, यात्रा लाभकारी होगी। अब आइए वास संबंधी एक महा उपाय जान लें। शुक्रवार के दिन बरगद वृक्ष के जड़ पर दूध पानी मिश्री यदि आप डालते हैं, बहुत कल्याण होता है। और जहां पर डालें दूध पानी मिश्री जड़ पर, तो गीली मिट्टी का अनामिका उंगली से तिलक करें तो अन्नपूर्णा की कृपा हो जाती है, घर में अन्न का भंडार बना रहता है और वास देवता भी प्रसन्न रहते हैं। यदि घर में बरगद वृक्ष की पत्तियों के ऊपर कपूर जलाया जाए तो वास देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा का रहस्य क्या है, क्यों लोग अमरनाथ यात्रा करते हैं। अमरनाथ की यात्रा का संबंध भगवान शंकर से है। माता पार्वती ने बहुत समय तक सोमवार का व्रत रख करके भगवान शिव को प्राप्त किया। अब जब शंकर जी को प्राप्त कर लिया तो पूछा कि आप तो अजर अमर अविनाशी हैं, और क्यों हमारा बार बार जन्म होता है, बार बार आपसे विवाह होता है, तो हमें भी अमर करने का रहस्य बता दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, ये रहस्य और कोई न जान सके, इसलिए चलो एकांत में चलते हैं। तो भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में अमरनाथ की गुफा में जाते हैं और रास्ते में हर एक एक अपने आयुध को, अपने वाहन को, अपने वार्षिक नाग आदि को छोड़ते हुए चले जाते हैं। नंदी को छोड़ दिया और अपने जो उन्होंने नाग गले में धारण कर रखा है, शेषनाग को ही छोड़ दिया। तो अलग अलग पड़ाव पर वहाँ पर रुकने मात्र से ही शिव की कृपा हो जाती है। भगवान शंकर ने एकांत स्थान पर गए जहाँ पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि त्रिशूल भी बाहर लगा दिया था, और कोई भी गुफा में माता पार्वती और शिव के अलावा कोई नहीं था। तब भगवान शंकर ने उस रहस्य को बताया, लेकिन माता पार्वती सो जाती हैं, वो रहस्य सुन नहीं पाई। और वहीं पर भगवान की कृपा कि वहीं पर एक अंडा हुआ था अंदर गुफा में, जो धीरे धीरे सुनता रहा और वही हुंकार करता रहा। भगवान शंकर आंख बंद किए थे और कथा सुना रहे थे, बीच में पूछते थे तो माता पार्वती हुंकार करती थी, हाँ कि हाँ हम सुन रही हैं, हूँ हूँ करती थी। लेकिन जब वो सो गई तब वो अंडा जो था उसमें बच्चा वो बन गया और उसने हुंकार करना प्रारंभ कर दिया। पूरी कथा जब सुना दिया तो आंख खोलकर देखा कि माता तो सो गई हैं, तो ये हुंकार कौन कर रहा है। ध्यान किया तो पता चला एक छोटा सा तोता शुक वो बैठा था किनारे और वहां से उड़ा,
डर के मारे उड़ता है, तो भगवान शंकर त्रिशूल से पीछे उसका पीछा करते हैं और उड़ता हुआ आया और व्यास जी के आश्रम के पास आया। व्यास जी की पत्नी अरुंधति सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी और अर्घ देते समय उनके मुख में जमुहाई आ गई और वो तोता मुख में चला गया। भगवान शंकर सामने आए, त्रिशूल सहित प्रकट हुए और कहा दुष्ट सामने प्रकट हो। तब तक भगवान शंकर की बात सुनकर के व्यास जी आते हैं और व्यास जी की पत्नी बहुत ही भयभीत हुई। तो पूरी बात जब व्यास जी ने जाना तो व्यास जी ने कहा प्रभु अब ये मेरे क्षेत्र में आ गया, मेरी पत्नी के उदर में आ गया है, अब ये मेरा पुत्र हो गया है, आप मुझे यही वरदान दे दीजिए। तो भगवान शंकर ने कह दिया, वरदान दे दिया, ठीक है तुम्हारा पुत्र होगा। शंकर भगवान चले गए और अंदर वो तोता की शक्ति अंदर थी और बार बार व्यास जी कहते हैं कि बाहर आओ, तो अंदर से आवाज़ आती है कि बाहर माया है, मैं कैसे आऊं, पहले माया को आप समाप्त करिए। 12 वर्ष लगा व्यास जी को भगवान की आराधना करने में। भगवान नारायण प्रकट हुए और माया कहा मैं माया को बाहर हमने कर दिया है, अब बाहर आओ। तो सुखदेव जी का प्राकट्य होता है, बाहर आते हैं और भगवान चले जाते हैं। तो माया का जब अनावरण कर दिया तब सुखदेव जी का प्राकट्य होता है और सुखदेव जी जो व्यास जी के पुत्र हैं, परम ज्ञानी परम ब्रह्म हैं, और व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत कथा सुनाई और सुखदेव जी ने वो भागवत कथा सुना और संसार में उस कथा का प्रवाह किया। महाराज परीक्षित को कथा सुनाई, जनक जी को गुरु बनाया सुखदेव जी ने। तो बहुत सारी कथाएं आती हैं। तो कथा का सार ये है कि अमरनाथ की यात्रा करने पर शिवत्व की प्राप्ति होती है, अमर होने का रहस्य मिल जाता है। यद्यपि ये रहस्य सबको नहीं पता चल पाता, माता पार्वती भी सो गई थी। बहुत सारी कथाएं हैं, अल्प विराम के बाद में हम और एक कथा सुनाएंगे जो बड़ी बड़ी विचित्र कथा है और उस कथा को सुनने के बाद में वास्तविक रहस्य भी पता चलेगा। लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं चार राशियों का हाल। मेष राशि के जातक, आपकी वाणी में संतुलन बनाए रखें, परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, संतान पक्ष का ख्याल रखें, संतान से लाभ का योग बना है, यात्राएं आपकी हो सकती हैं और आज के दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना है। शुभ अंक आपका 4 है, भाग्य आपका 48% है। वृषभ राशि के जातक, बहुत ही सावधानी के साथ में अपनी बात को रखें, क्रोध ना करें, अहम न करें और मेहनत से प्लानिंग बनाकर योजना बनाकर कार्य करें। अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बना है, मित्रों का सहयोग बना रहेगा और आज के दिन आपको श्वेत रंग के वस्त्र का प्रयोग कर लें। शुभ अंक आपका 5 है, भाग्य आपका 58% है। मिथुन राशि के जातक, घर में अतिथि आ सकते हैं, उदर विकार की संभावना है, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और तकनीकी ज्ञान से आपको लाभ होगा। हरे रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका आज के दिन 5 है और भाग्य प्रतिशत आपका 58% है। कर्क राशि के जातक, संगीत के प्रति रुचि बढ़ेगी, विचार शुद्ध रखें, माता दुर्गा की उपासना करें, सांब सदाशिवाय नमः मंत्र का जाप करें और जीवन साथी के प्रति तादात्म्य रखें, बेहतर होगा। लाल रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 1 है और भाग्य आपका 81% है। वक्त हो गया है छोटे से अल्पविराम का, अल्पविराम के बाद आएंगे सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल आपको बताएंगे। अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए पहले जान लेते हैं सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक दैनिक राशिफल के बारे में।
सिंह राशि के जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, महामृत्युंजय का जाप करवाएं या करें, पीपल और गूलर बरगद ये तीन पौधों को यदि आप लगवा देते हैं तो आपको दीर्घायु का वरदान मिलेगा, क्योंकि ये तीन वृक्ष आपके आयु से जुड़े हुए हैं। और नित्य बरगद के जड़ पर दूध पानी मिश्री आप डालें, अनामिका उंगली से गीली मिट्टी का तिलक करें, आपकी आयु बढ़ेगी, रोग कम हो जाएंगे, बहुत लाभ होगा। रुद्राक्ष की माला धारण कर लें और नमः शिवाय का जाप करें। आज के दिन आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना है। शुभ अंक आपका 9 है और भाग्य आपका 55% है। कन्या राशि के जातक, विरोधी आपके परास्त होंगे, आमदनी में वृद्धि का योग है, परिवार में मंगलकृत कार्य होने की योजना बन सकती है, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा और उत्तम होगा आज के दिन फिरोजी रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 3 है और भाग्य आपका आज के दिन 73% है। तुला राशि के जातक, किसी कानूनी विवाद से निजात मिलेगी, चावल दान करना बड़ा उत्तम है, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, श्री सूत का पाठ करें, दही का भोग लगाएं, दही चीनी का, बहुत कल्याण होगा। और आज के दिन आपको धानी रंग के वस्त्र का धारण करना है। शुभ अंक आपका 7 है, भाग्य आपका 78% है। वृश्चिक राशि के जातक, वाणी में संतुलन बनाए रखें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, विरोधी आपके परास्त होंगे, घी का दान करें और घर में शंख लाएं। और आज के दिन काले रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। शुभ अंक आपका 2 है और भाग्य आपका 82% है। आपको बता रहे थे अमरनाथ की यात्रा का रहस्य। अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाई, विद्या माता ने कथा पूरी नहीं सुनी और यात्रा के दौरान भगवान शंकर अपने एक एक आयुध को छोड़ते गए, नंदी को, चंद्रमा को, सर्प को, यहाँ तक कि अपने त्रिशूल को, सब कुछ छोड़ते चले गए। और जहाँ जहाँ छोड़ा गया वहाँ वहाँ पर आज बड़ा सुंदर तीर्थ है, वो पड़ाव है, वहाँ पर सब यात्री लोग रुकते हैं। और ये मान्यता है कि जैसे शेषनाग की झील में जब आप पहुँचते हैं तो शेषनाग दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, जब आप उस यात्रा में जाते हैं तो शिव जी की कृपा होती है, तब आप यात्रा में चले जाते हैं। और एक बार भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक मुनि को सपने में मंत्र बताया और प्रातः काल उठकर बुद्ध कौशिक मुनि ने उसको लिखा राम रक्षा स्त्रोत को, और राम रक्षा स्त्रोत के अंत में ये बात कही गई है, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने कैलाश पर माता पार्वती को बताया, जब माता पार्वती भगवान श्री हरि नारायण के 1000 नामों का पाठ करती, उस तत्पश्चात जलपान आदि की व्यवस्था करती थी, तो भगवान शंकर ने कहा कि इतना समय व्यर्थ ना करो, एक बार राम नाम का उच्चारण कर लो तो वो 1000 बार भगवान के नाम के उच्चारण के बराबर हो जाता है, इस बात को बताया। और ये रहस्य भगवान स्वयं ने स्वयं खोला कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका सुति कहा एक एक से एका। भगवान के अनंत नाम है लेकिन उनमें राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण अधिका। नारद जी ने भगवान राम जी से स्वयं ये मंत्र का
वरदान प्राप्त किया है कि प्रभु ये नाम संसार के लिए कल्याण कारक हो जाए। और वही नाम भगवान शंकर माता को बताते हैं कि राम नाम ये तारक ब्रह्म है, तारक नाम है, और यही रहस्य है कि इसके नाम के जाप करने पर हमारे जीवन में यानी हमारा पुनः शरीर हम त्यागते नहीं है, अजर अमरा विनाशी है, ये रहस्य बताया। और जो लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, भगवान शंकर की उपासना करते हैं, वास्तव में उनको राम नाम का फल मिलता है, राम जी की भक्ति मिलती है। क्योंकि शंकर जी कहते हैं कि जिन पर जही पर कृपा कर ही प्रभु पूर्ण तेही का संत मिलाते हैं, उस पर संत मिला देते हैं। और परम विशुद्ध नाम रसमाते खल गगहू पिघलाते हैं, सारे जितने भी जीवन में खल है, छह प्रकार के खल हैं, काम क्रोध लोभ माया मोह मत्सर, इनको भगवान हटा देते हैं। और जैसे ये छह प्रकार के दोष हटते हैं, परमात्मा सामने खड़ा दिख जाता है। हम सबके आंखों के सामने माया का पर्दा है, और पर्दा भगवान शंकर जैसे ही हटा देते हैं तो वो परब्रह्म सामने खड़े हैं, दिख जाते हैं। फिर सारी पर्दा जब हट जाता है तो वास्तविक रहस्य मिल जाता है, और यही रहस्य है। वैसे भी योग विज्ञान में अमरनाथ की यात्रा कुंडलिनी यात्रा है। जो लोग योगी हैं वो अपने मेरुदंड में ये यात्रा करते हैं। मेरुदंड का सबसे निचला भाग भगवान गणेश का स्थान मूलाधार कहा जाता है, और सहस्त्रार्थ में भगवान शिव का वास है। तो ये ऊर्जा की यात्रा जब चलती है तो इस ऊर्जा की यात्रा में सात पड़ाव आते हैं, जिसको हम कहते हैं कुंडली के वो सात चक्र हैं, और आठवां सहस्त्रार्थ हो जाता है जहाँ पर परब्रह्म का प्राकट्य होता है, दर्शन मिल जाता है, ऐसा योग विज्ञान में योगी लोग कहते हैं। तो बहुत सारे रहस्य हैं, अगर आप चाहते हो रहस्य को जानना चाहते हो, जाना चाहो गूढ़ गति जेऊ नाम जपिए जन जान उतेऊ। अगर आप जानना चाहते हैं नाम भगवान का जपें, किसी भी नाम में प्रियता हो, तो वो मूल रहस्य आपको पता चल जाता है। अब वक्त हो गया है छोटे से अल्पविराम का, अल्पविराम के बाद आएंगे धनु राशि से मीन राशि से धैनी राशि पर आपको बताएंगे। अल्पविराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए जान लेते हैं धनु राशि से मीन राशि से धैनी राशि फल के बारे में। धनु राशि के जातक क्रोध पर नियंत्रण रखें, पीले फलों का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करिए, संतान पक्ष से लाभ होगा। उत्तम होगा कि आज के दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 9 है, भाग्य आपका 90% है। मकर राशि के जातक पारिवारिक चिंता बनी रहेगी, पारिवारिक चिंता बहुत सताएगी, इसके लिए आपको भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करना है। और उत्तम होगा कि आप गुरु पर, मंत्र पर, पीपल वृक्ष पर और हनुमान जी की भक्ति यदि आप करते हैं तो आपके मनोजनित विकार दूर होंगे, आपको लाभ होगा। और आज के दिन आपको चाहिए नीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। शुभ अंक आपका 3 है, भाग्य आपका 83% है। कुंभ राशि के जातक हड्डियों में समस्याएं आ सकती हैं, हल्दी का प्रयोग करिए। संपत्ति में विवाद बन सकता है तो शनिदेव के मंत्रों का जाप करिए, और बहुत सोच समझ करके वार्तालाप करेंगे, कम से कम बोलेंगे, लाभ होगा। और आज के दिन आपको चाहिए कि आप गुलाबी रंग के वस्त्र का आप चयन कर लें। शुभ अंक आपका 7 है, भाग्य आपका 77% है। मीन राशि के जातक अचानक घर में अतिथि आ सकते हैं, उनका सम्मान करिए, चांदी के वस्त्र धारण करिए, चावल दान करिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना उत्तम है। घर में आज कौड़ी लाइए, बहुत लाभ होगा। और आज के दिन आपको सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करना है। शुभ अंक आपका 2 है, भाग्य आपका 82% है। अब आइए मूलांक के अनुसार समझ लेते हैं कि आज के दिन को बेहतर करने के लिए क्या किया जाए। मूलांक 1,
शाम्ब सदाशिव नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। मूलांक दो केशवाय नमः मंत्र का जाप करिए। मूलांक तीन गंगणपते नमः मंत्र का जाप करिए। मूलांक चार दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र से बड़ा कल्याण होगा। मूलांक पांच ह्रीम सूर्याय नमः। मूलांक छह गंगणाधिपते नमः। मूलांक सात ह्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, तीन बार ह्रीम करें फिर महालक्ष्मी नमः। मूलांक आठ हंग हनुमते नमः। मूलांक नौ गायत्री मंत्र का जाप करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बहुत सारे काम बनेंगे, बहुत लाभ होगा। तो मूलांक में हमने जाना छोटे सरल उपायों को, जिनको करने पर दिन में शुभता बनी रहेगी, बहुत कल्याण होगा। अब आइए दिन को बेहतर करने के लिए सलाह ले लें। तो आज की सलाह है गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 24 मिनट जाप करेंगे तो बहुत कल्याण होगा। तो आज की संत में बस इतना ही, कल पुनः किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार।